पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में सोमवार को एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी को आपूर्ति किए गए समोसे में कथित तौर पर कॉन्डम्स, गुटखा और पत्थर पाए जाने के बाद 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। IMD का कहना है कि अगले 7 दिनों में गोवा में लू जैसी स्थिति रहेगी। GSDMA ने जारी की एडवाइजरी। असम के करीमगंज में महिला ने 3 बच्चों की हत्या कर दी, बहन को घायल कर दिया। महिला और उसकी बहन की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री की कार के दरवाजे से टकराकर गिरा बीजेपी कार्यकर्ता, बस ने कुचला। संघ और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय फंड की मांग करने वाली कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। महाराष्ट्र में धूम्रपान कर रही 2 महिलाओं को घूरने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी के आरोप में दिल्ली हवाई अड्डे पर 2 लोग गिरफ्तार। उड़ीसा के कंधमाला जिले में एक स्कूटर के पुल से गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में ईडी ने पूर्व DM के पदाधिकारी जाफर सादिक की PMLA जांच में कई स्थानों पर छापे मारे। तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु में होटल के कमरे की 19वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना में चुनाव पूर्व नकदी, सोना, शराब और मुफ्त वस्तुओं की जब्ती 71.73 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बंदूकधारी व्यक्ति ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को माला पहनाई, जिससे विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने उपद्रववाद के लिए कांग्रेस की आलोचना की।